हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अपडेट में आप लोग का स्वागत है। तो मॉर्निंग अपडेट में हम 360 डिग्री एनालिसिस करके और मेन टॉपिक जो है सीईपीई एनालिसिस करना। यस, निफ्टी का या बैंक निफ्टी का कौन सी सीई किस लेवल पे ऊपर हमें अच्छा प्रॉफिट कराएगा। तो देखिए, मॉर्निंग अपडेट वीडियोस का ये मकसद रहता है कि आप 10 बजे तक एक सही प्रॉफिट आपको हाथ में आ जाए। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर्स हैं तो मार्केट कभी आपको हरा नहीं सकता है। ओके, ये जरूर याद रखना। ओके, क्या क्या चीज़ देखेंगे यहाँ पे? तो FSDIS कल के दिन पे क्या क्या है? तो FSDIS ने कल के दिन पे मामूली सी बाइंग किया है FIS ने, और उसके बाद DIS ने उसे थोड़ी बहुत भरपाई करने का कोशिश किया है। ओके, बट अगर देखा जाए जो बाकी दिन के अगेंस्ट में बहुत कम बाइंग किया है। अब देखो यहाँ पे 14,000 का और यहाँ पे -4,000, यानी कि 10,000 का यहाँ पे बाइंग था। ओके, यहाँ पे क्या था? बिल्कुल बाइंग सेलिंग बराबर था, ये समझ लो। यहाँ पे क्या था? दोनों साइड में थोड़ी बहुत बाइंग था। तो इस दिन में यानी कि 20 सितंबर पे जितनी बाइंग था उसके अकॉर्डिंग कल का सेशन पे बहुत ही कम बाइंग है। ओके, इतना हम समझ पा रहे इस FSDIS से। ओके, चलिए गाइस, अब देखते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या आ रहा है। तो ऑप्शन चेन में देखो, निफ्टी में सबसे ज़्यादा पुट सेलिंग प्रेशर 25,500 पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सो गाइस, ये जो मॉर्निंग अपडेट वीडियोज़ है यहाँ पे हम क्लियरली आप ओके तो उसके अगेंस्ट में हमने जो गिप निफ्टी देखे हैं तो गिप निफ्टी काफी हद तक थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है ना, अभी थोड़ा सा निगेटिव है। तो मैं यहाँ पे जो चीज आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है कि सेलर जो है, पुट सेलर जो है, वो सबसे ज्यादा 25,500 पे सेल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका बीच में मैक्सिमम पुट सेलर इतनी अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में बाकी पुट सेलर थोड़ा डर रहे हैं कि ये वाला तो जीरो होगा, ये कंफर्म है, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं हमारा डर है। ओके, तो इतना समझ लो कि लोग सबसे ज्यादा पुट सेलर यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि ये स्ट्रांग सपोर्ट है, यानी कि ये सपोर्ट तक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, जो मैं तीनों चारों बातों से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। चलो नेक्स्ट मैं चलता हूँ चार्ट के ऊपर, एक नज़र मैं निफ्टी का चार्ट एंड बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको दिखाऊंगा। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है कि बैंक निफ्टी में अभी तक निफ्टी से ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेंथ है। क्या मैं समझ रहा हूँ कि निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में अभी तक स्ट्रेंथ है। मैं एक चीज़ का कन्फर्मेशन और यहाँ पे करना चाहूँगा। देखिए, सुबह सुबह इतनी लंबी वीडियो कोई नहीं देखना चाहता है, मुझे पता है, बट थोड़ा हो जाता है कि आप लोगों से शेयर करने का दिल हो जाता है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में शायद मोमेंटम बाकी है। ओके, बट हो सकता है बैंक निफ्टी फिर से एक बार 53,500 का करीब कोई ना कोई सपोर्ट लेके फिर वो मोमेंटम दिखाए, ऐसे भी हो सकता है। ओके, चलो हमें तो मेन मकसद है कि आज का दिन पे कहाँ पे प्रॉफिट होगा, समझ में आया सर? चलो, लेवल आपको मैं कल प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि शर्कट ट्रेडर्स को वेबसाइट में जाके ये लेवल आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट लिंक में आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आज का पिवट लेवल क्या है अभी पहले से ही मिल जाएगा। ओके, तो क्या मिल गया पिवट लेवल हमारे को? कल का वीडियोस में बताया था 25,914, यहाँ तक हमारा क्लियर है ना, यहाँ तक हमारा क्लियर है। तो 25,900 को ब्रेक करेगा तो मार्केट एक डाउनसाइड जा सकता है। अब मैं निफ्टी के चार्ट में आ रहा हूँ, ये निफ्टी के चार्ट भी आपके साथ शेयर किया हूँ कल के दिन पे कि 900 को अगर ब्रेक करेगा तब भी मैं पुट साइड में जाऊँगा। रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है सर? तो रेजिस्टेंस आ रहा है 981, यानी कि गिप निफ्टी क्या देख पा रहे हैं, गिप निफ्टी अभी 18 पॉइंट माइनस है, यानी कि अल्टीमेटली ये पॉजिटिव है क्योंकि कल के सेशन पे काफ़ी पॉजिटिव था। ओके, तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव है, यहाँ पे 1917 और यहाँ पे 1980, यानी कि हल्की से मार्केट पॉजिटिव ओपन हो सकता है। बट हमें देखना है पॉजिटिव ओपन होके पहला फर्स्ट 15 मिनट क्या इसी रेंज के अंदर आ जाता है। अगर इसी रेंज के अंदर आ जाएगा तो 15 मिनट का लो ब्रेक होगा तो मुझे लगता है आपको एक डाउनसाइड रहना चाहिए। बट वो डाउनसाइड कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सपोर्ट बनाएगा मार्केट, ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बनाएगा। ओके, ये लेवल पे, और उसके बाद इसे भी ब्रेक करेगा तो और थोड़ा सा लेवल नीचे के लिए दिख सकता है, इतना समझ लो थोड़ा सा। ओके, चलो अब मैं डायरेक्टली हिट करता हूँ निफ्टी का कौन सी कॉल एंड कौन सी पुट के ऊपर हमने ध्यान दे रहे हैं। तो निफ्टी के लिए मैं 25,900 का कॉल एंड 25,900 का पुट पे ध्यान दिया हूँ बिकॉज द स्ट्राइक प्राइस इज हाई नियर अबाउट बिटवीन द 25,000 to 26,000। ओके, तो हमें उस साइकोलॉजिकल एंड मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं हमेशा 100 रुपीज़ के पास वाला स्ट्राइक प्राइस ढूंढता हूँ, ये मेन रीज़न है। ओके, तो इसके ऊपर मैं क्या देख पा रहा हूँ, जो ये 125 में क्लोजिंग हुआ है ना, 124 में क्लोजिंग हुआ है, ये कहीं ना कहीं मार्केट को देखो इसी जोन पे ही ओपन होगा,
मुझे जहाँ तक लगता है इसी जोन पे ओपन होगा, ओपन होकर ये फंसाएगा, ठीक है ये फंसाएगा। बट पुट साइड बहुत क्लियर बता रहा हूँ, पुट साइड कल का दिन पे मैं पुट साइड ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, आप लोग बोल रहे थे सर आपने पुट साइड डिस्कस नहीं किया, सर पुट साइड कुछ बनेगा तब तो डिस्कस करूँ, मैं आपको बताया था कि कॉल साइड रेजिस्टेंस फेस करेगा तो पुट साइड में कुछ प्रॉफिट मिलेगा, बताया था सर, और कॉल साइड का रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया था। तो इसे ध्यान से समझ जो है, ये जो सुबह सुबह मैं वीडियो बताऊँ, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसे वीडियो नहीं भेजता है कि मार्केट ओपन होने से पहले आपको सीईवी का सही लेवल बता दे, है ना। बट अमरा सरकार ट्रेडर्स क्लासेस में ये दम है, तो मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि 25,900 का जो पुट है ये आपको 120 से 125 के ऊपर अगर जैसे ही स्टेबल करना शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं एक टारगेट आपको मिनिमम दे रहा हूँ 140 से 150 सेकंड टारगेट, और आई होप कि 125 के ऊपर अगर स्टेबल करेगा तो 150 तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, अगर 125 के ऊपर चला गया है तो इस जोन को अगर ब्रेक करेगा उसके बाद तो आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए, ठीक है सर। ओके हाँ, कॉल साइड क्या करना है सर, कॉल साइड नहीं जाना है क्या सर? कॉल साइड जब तक ना इसके ऊपर स्टेबल हो रहा है तब तक मैं नहीं जा रहा हूँ। इस कॉल का सपोर्टिंग कहाँ का बन रहा है सर? तो मैं सपोर्टिंग के लिए अगर बात करूँ तो इसका सपोर्टिंग 68 से 73 ये एक सपोर्टिंग जोन बन रहा है, जिसका 124 प्राइस चल रहा है। उससे नीचे आओ तो 52 के सपोर्ट बन रहा है, 52 का सपोर्ट बन रहा है। उससे नीचे आओ तो मैं सीधा कॉल साइड का नीचे के सपोर्ट देख रहा हूँ, तो कोई भी नीचे स्ट्रांग सपोर्ट में मिल जाता है। अब फाइनली एक लेवल इसमें आता है 20, फाइनली एक लेवल इसमें आता है 20। अगर एक्सपायरी तक 20 के पास एक बार मिल जाए मुझे और 20 से बाउंस बैक करे तो ये अब मेरे लिए अच्छा लेवल हो सकता है निफ्टी का इस कॉल के लिए। ओके, बहुत क्लियर है, कन्फ्यूज नहीं है। अब मैं बैंक निफ्टी में जा रहा हूँ। देखो जिन लोगों को एक बार में समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा रिवर्स करके रिपीट करके देखिए और एक बार दिमाग में बिठा लीजिए मैं कौन सी स्टॉक प्राइस क्या बता रहा हूँ, और मार्केट जब ओपन हो जाएगा उसके साथ मिला लीजिए आप, ठीक है सर। चलो अभी मैं आ चुका हूँ बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में 54,000 का कॉल एंड 54,000 का पुट के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। और सेम जैसे कि हमने निफ्टी में बताया, इसमें भी मुझे कॉल साइड कोई ना कोई थोड़ा सा वीक लग रहा है। ओके, अब सडनली सुबह का मॉर्निंग पे थोड़ा वॉलेटाइल होके कहीं ना कहीं इसका बीच में होगा, हो सकता है, राइट। बट जैसे ही ये कॉल आपको 280 के नीचे आ जाएगा तो ये वीक हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? ये जोन है, इस जोन को समझो आप सर। ओके, थोड़ा सा लंबा तो नहीं हो रहा है, लेंथी तो नहीं हो रहा है, प्लीज़ कमेंट्स में बताना सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम समझते हैं और समझ के काम करते हैं। और 270 जोन में फंस जाएगा तो ये वीक हो गया। ओके, और पुट के लिए बेस्ट लेवल क्या होगा? तो पुट के लिए मैं समझ पा रहा हूँ कि 260 से लेकर 60, ये जोन को थोड़ा सा सुबह सुबह वेट करना कि कब आ रहा है। सुबह सुबह फर्स्ट मॉर्निंग में नहीं आएगा जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो अगर नहीं आता है तो कब आ रहा है? और ये जो डाउन स्लोप है ये है इसका सपोर्ट, तो ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से समझना है मार्केट में। ओके सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से समझना है, ये जो ट्रायंगल पैटर्न है इसे ब्रेकआउट होना है, ठीक है, इसे ब्रेकआउट होना है, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ से मुझे एक प्रॉफिट डेफिनेटली देना चाहिए मार्केट, और वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं देखो 350 तक भी आपको जा सकता है। तो सेफ ट्रेडर्स 300 तक, 300 से 310 25, एंड जिन लोग लॉन्ग करना चाहते हैं तो 350 से लेकर 380 तक का भी टारगेट इसमें दिखाई दे सकता है, बस सिंपल से हिसाब। अभी हम चलते हैं कुछ उसमें स्टॉक के ऊपर, जो स्टॉक हमारे रेडर पे है, ठीक है। तो कौन से स्टॉक आज न्यूज़ में है वो देखते हैं। तो हमारा न्यूज़ में है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आपको IPO ला रहे हैं और 109 रुपया पर शेयर का IPO ला रहे हैं। यहाँ पे 2,500 करोड़ का अमाउंट इन्होंने कलेक्शन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सेकंड आ रहा है कोल इंडिया, कोल इंडिया की तरफ से ये खबर आ रहा है कि राजस्थान से एक इसका प्रोजेक्ट हुआ है, जिसमें इसका ऑर्डर मिला है कि यहाँ पे लगभग 1600 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो ये खबर कहीं ना कहीं कोल इंडिया के लिए अच्छा है। पावर ग्रिड में भी एक अच्छा न्यूज़ है, जो कि पावर ग्रिड में ये एक अच्छा न्यूज़ हमें दिख रहा है, और इस न्यूज़ के चलते ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव साइड जा सकता है। द कंपनी हैज़ बीन डिटेक्टेड द सक्सेसफुल विडर, ओके, एक अच्छा खासा बाइंग किया है जो म्यूचुअल फंड ने, तो इसके लिए ये स्टॉक ऑलरेडी बाइंग कर चुका है। देखो मैं कई बार बोलता हूँ कि ऑलरेडी जिन्होंने बाइंग कर चुका होते हैं तो उनमें फिर हमें फंसने का चांस रहता है, तो हमें जो वो बाइंग किया है उसके बाद टेक्निकल लेवल को समझ के फिर ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो इसका टेक्निकल लेवल देखिएगा क्या है। फिर आता है जी आर
इंफ्रा प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या आ रहा है कि 903 करोड़ का इसमें एक कंपनी का प्रोजेक्ट है जो रेलवे कंपनी की तरफ से है। तो इसमें कहीं ना कहीं फिर से एक बेस बन रहा है, यानी कि बेस मजबूत हो रहा है। ठीक है, देखो किसी भी कंपनी का अगर लॉन्ग में कोई ऑर्डर मिल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि उसका बेस बन रहा है। आजकल एक दो दिन गिर जाए कोई बात नहीं, बट उसको सपोर्ट देख के हम सपोर्ट में बाइंग कर सकते हैं। ओके सर, तो ये चार स्टॉक फिलहाल हमारा पॉजिटिव न्यूज में है। आप देख सकते हैं इसे हम पोर्टफोलियो में धीरे धीरे यूज कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में धीरे धीरे पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। ओके, सो गाइज कैसे लगा ये वीडियो जरूर बताना, और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।